पहला सवाल, पहला सवाल ये कि वो बाइक और स्कूटी कहाँ पर है जिसमें अंकिता, पुलकित और पुलकित के साथी आखिरी बार देखे गए थे। दूसरा सवाल, वो सीसीटीवी फुटेज इस वक्त कहाँ है जिसमें पुलिस दावा कर रही है कि चार लोग जाते हुए नजर आए थे और रात के वक्त जब वो लौट रहे थे तो उसमें सिर्फ तीन ही लोग थे। तीसरा सवाल ये है कि पुलकित ने जिस जगह पर शराब पी वो तो ड्राई एरिया है, तो आखिर वहां पर शराब आई तो आई कैसे। चौथा सवाल, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि फॉरेस्ट एरिया के आसपास कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं की जा सकती, तो वहां पे इतना बड़ा रिजॉर्ट कैसे बना लिया गया। तो ये थे कुछ सवाल, आगे और भी सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को देने हैं और साथ ही साथ प्रशासन को भी। लेकिन उससे पहले आप समझिए कि अंकिता मर्डर केस पूरा केस है क्या। पर्दे के पीछे की कहानी अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो अंकिता के पिता वॉचमैन की नौकरी करते थे, कोरोना काल में उनकी नौकरी चली गई, माँ आंगनबाड़ी में काम करती हैं, पैसे कमाने के लिए माँ और बेटी ही अपने परिवार को संभाल रही थी। जहां तक अंकिता की बात करें, अंकिता ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और हाल ही में यानी कहें 28 अगस्त या 1 सितंबर के रोज उसकी नौकरी भी लग गई थी। पहली सैलरी भी आने वाली थी लेकिन पहली सैलरी से मौत ने दस्तक दे दी। अब हुआ यूं कि रिजॉर्ट में जो बीजेपी नेता के बेटे हैं उन्होंने एक स्पेशल गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने के नाम पर कहा था कि एक रात के 10,000 रुपए मैं तुम्हें दे सकता हूं, जिस पर अंकिता ने कहा कि मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूं और मैं 10,000 रुपए के लिए अपने आप को बेचूंगी नहीं। मैं गरीब जरूर हो सकती हूँ लेकिन 10,000 रुपए के लिए अपने आप को बेचूंगी नहीं। आप ये भी बता दें कि जो अंकिता है उसकी जो सैलरी है उसकी सैलरी प्रति माह 10,000 रुपए थी और जो बीजेपी नेता का बेटा है जिसका ये होटल है उसने कहा था एक रात की मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। खैर ये बात थी, जिस बात थी उसकी अगली रोज अंकिता का मूड खराब हो गया था। अंकिता के घुमाने ले गए बीजेपी नेता के जो बेटे थे और उसके साथी और होटल का मैनेजर, चारों घूमने जाते हैं और बगल के ही जंगल में वहां पे दारू पार्टी करते हैं लेकिन अंकिता उसमें शामिल नहीं थी। अंकिता बीच में कहती है कि वो होटल की सारी गंदे राज सबको बता देगी। इस पर बीजेपी नेता का जो बेटा है वो बार बार गुस्सा हो जाता है और इसी आपाधापी में उसे नदी में धकेल भी देता है। अब नदी में धकेलने के बाद वो वापस अपने रिजॉर्ट में आते हैं, अपने अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। अगले रोज वो कहते हैं कि आपकी बेटी गुम हो गई है लेकिन लाश मिलती है जिस जगह से उन्होंने फेंका था वहां से 8 किलोमीटर दूर। अब सवाल ये उठता है उसकी लाश कैसे मिली, पहाड़ी नदी थी, कहा जाता है कि पहाड़ी नदी में अगर किसी को लाश को फेंको तो वो नहीं मिलती है। तो बताया गया कि डैम था, डैम में उसकी जो अंकिता की लाश थी कहीं तैरती हुई या फंस गई थी, जब डैम का पानी कम हुआ तो वो लाश तब जाकर बाहर आई। वही जो आरोपी है जो बीजेपी नेता के बेटे हैं पुलकित, उसने अपना जुर्म कबूल किया है और कहा है कि उस रोज उनका झगड़ा हुआ था लेकिन वो बताने में हिचक रहा था कि वजह क्या थी जिस वजह से झगड़ा शुरू हुआ। खैर जो माँ बाप थे वो पुलिस थाने में जाते हैं और पुलिस थाने में जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार किया जाता है ये भी सबके लग जाहिर है। पुलिस पहले उनका केस नहीं लिखती, पहले वो जो है एफआईआर रजिस्टर नहीं करती, उसके बाद वो डीएम के पास जाते हैं, तब जाके डीएम आदेश देते हैं पुलिस को, उसके बाद तहकीकात शुरू होती है। और फिर जब तहकीकात शुरू होती है तो बहुत सारे दांवपेच सामने आते हैं, कभी पता लगता है कि पुलकित जो बोलता है वो कुछ, उसके बयान कुछ और होते हैं, फिर दोस्तों के चैट्स ऑडियो कॉल जब पुलिस ने सुने तो काफी कुछ चेंज होता है, मतलब पुलिस को भी फिर शक बैठता जाता है। और धीरे धीरे जब कनेक्शन बैठते हैं तो पुलकित यानी कि जो बीजेपी नेता का बेटा है उसका नाम सामने आता है और पुलकित खुद ही ये सारी बातें फिर पुलिस को बताता है। लेकिन ये पूरी जांच पड़ताल में हमारे कुछ सवाल हैं जो उत्तराखंड पुलिस से पूछे जाने जरूरी हैं, क्योंकि बहुत सारी जांच ऐसी हुई जिसके बाद कुछ ऐसे सवाल निकल कर आए जो खुद को हमें अटपटे लग रहे हैं, हमें उस पर ऐसा लग रहा है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर पहली बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि जो रिजॉर्ट था पुलकित का उसे बुलडोजर से गिरा दिया गया एक तरीके से, लेकिन इसमें पुलिस ने यह भी कह दिया है कि हमने सिर्फ आगे का हिस्सा गिराया है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें तो ये भी होता है कि जब कोई इन्वेस्टिगेशन किसी चीज को लेकर हो रही है, क्राइम ऑफ सीन है, वो वहां पर ही क्राइम हुआ और उसको गिरा दिया गया। नहीं, इस पे वहां के जो एसपी हैं उन्होंने कहा है कि हमने 22 तारीख को पहले वीडियोग्राफी कर ली थी पूरे होटल की कमरों की, 23 तारीख की सुबह हमने फॉरेंसिक टीम भी भेज दी जांच के लिए। लेकिन यहीं से दूसरा जो मेरा सवाल है उठता है कि उसकी वीडियोग्राफी क्यों नहीं की गई, एक वीडियोग्राफर क्यों नहीं ले जाएगा जहां पे चेक किया गया कि होटल में किस तरीके से उनकी जांच की, फॉरेंसिक के लिए जो उन्होंने एविडेंस इकट्ठे किए वहां पे उसकी वीडियोग्राफी क्यों नहीं करवाई गई। तो यानी कि जब पहला जो इनका क्राइम सीन है वही इन्होंने हटा दिया, भले पुलिस कह रही हो कि हमने सिर्फ आगे का ढांचा हटाया लेकिन
ढांचा तो कहीं ना कहीं का तो हटा है, पूरा कम से कम रहना चाहिए। जब वो 4 साल से लगातार था वहां पर रिजॉर्ट जो कि अवैध है, तो थोड़े दिन अगर जब तक जांच चल रही तब तक और रह लेता। दूसरा, जैसे कि आपने बताया कि वो वीडियोग्राफी नहीं कराई है, और तीसरा अभी भी ये क्वेश्चन है कि वो स्कूटी फिर आखिर है कहाँ पर जिसपे बैठ कर जो पुलकित है, और जब अंकिता गुस्सा हो गई थी, जब उन लोग के बीच में कुछ खटपट चल रही थी तो उन्हें उसे लेकर डैम तक जाता है, और उसके बाद वहां से लौट के सिर्फ 3 लोग आते हैं, वो स्कूटी कहाँ है। इसके अलावा एक कार का जिक्र भी हो रहा है, कार का जिक्र भी हो रहा है, लेकिन आपको बता दें जो रिजॉर्ट है वो रिजॉर्ट जंगल से 8 किलोमीटर अंदर बनाया गया था, तो चारों तरफ शांति थी, और कहा जा रहा था कि पहले कोविड के टाइम पे होटल चला नहीं, रिजॉर्ट चला नहीं, तो उन्होंने जिस्मत फरोशी का धंधा भी इसमें चालू कर दिया। अब कहीं ना कहीं सरकार को भी डर था कि जिस तरीके से इसमें करप्शन का जो मामला है कि एक इतना बड़ा रिजॉर्ट जंगल में बीच जंगल में खड़ा कर दिया जाता है, वो भी सिर्फ जिस्मत फरोशी धंधे के लिए, और जिस तरीके से अंकिता को जब सारी जानकारी हो चुकी थी, और अंकिता के नो कहने पर, याद रखिए 19 साल की लड़की है, वो ना कहती है कि उसे ये सब चीजें नहीं करनी है, और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बताओ, ये जितने भी युवा हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं या समझ रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि जो गलत है सो गलत है। अगर एक 19 साल की लड़की जो बहुत ही यंग है, उसने अभी पूरी दुनिया देखी नहीं है, लेकिन वो गलत और सही के बीच का फर्क समझ रही है, उसकी जान चली गई, लेकिन उसने अपनी इज्जत को वो नहीं होने दिया, मतलब नीलाम नहीं होने दिया एक तरीके से, ना उसने कोई भी ऐसी किसी भी गलत एक्टिविटी में उसने उसके लिए हामी भरी। एक जानकारी और कि जब उनके माँ बाप पुलिस वाले आनाकानी कर रहे थे, तो माँ बाप जाते हैं डीएम के पास, डीएम जब पूरी कहानी सुनते हैं तो डीएम ने कहा पुलिस वालों से कि आप इसकी जांच कीजिए और फौरन ही मुझे इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर दीजिए। अब पहले तो माँ बाप को लग रहा था कि कहीं ना हो ना हो पुलकित इसमें कहीं ना शामिल है, लेकिन जिसके बाद जम्मू का जो उसका दोस्त था अंकिता का, उसने कुछ चैट्स और ऑडियो इस तरीके से एक के बाद एक घर वालों को भेजे, और पूरे नेशनल मीडिया में वो जो चैट्स और ऑडियो आए, तब पता लगा कि जो पुलकित है ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है और ये बहुत बड़ा अपराधी भी है। इसके पहले रिजॉर्ट की बात करें तो रिजॉर्ट में इससे पहले भी एक लड़की की गायब होने की खबर भी आ रही थी, और वहां पे जिस तरीके जिस्म फरोशी का धंधा भी रोक टोक चल रहा था, कि कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि ये बीजेपी नेता का जो बेटा है ये बहुत ही पावरफुल है और इसे कोई रोकने वाला नहीं था, नहीं जब तक अंकिता उस रिजॉर्ट में आई नहीं थी। अंकिता की पहली सैलरी, उसकी पहली सैलरी थी 10,000 रुपए, उसके मिलने से पहले ही उसकी जो मौत के घाट उतार दिया गया एक तरीके से। तो ये सबके लिए सबक है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो गलत है कभी उसका साथ ना दें। जिस तरीके से 19 साल की अंकिता भंडारी ने कहा कि वो अपने पैसों के लिए अपने जिस्म का सौदा नहीं करेगी, ये कहीं ना कहीं सबक है। जितनी भी लड़कियां या जितनी भी लड़की इस वीडियो को देख रहे हैं, वो समझ जाएं कि नहीं का मतलब नहीं होता है।